डियर ऑल स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर आपकी यूनिट फिफ्थ चल रही थी, उसमें हमने जो आरएनएस थ्योरी है आपकी एसिड बेस के लिए जो आरएनएस सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आगे इसके अलावा हमने लक्स फ्लूइड अवधारणा और आपकी ब्रांस्टेंट अवधारणा वो भी देख ली थी। आज अपन बात करेंगे एसिड्स बेस के क्लासिफिकेशन के लिए लुईस अवधारणा कि लुईस थ्योरी एसिड्स बेस के लिए क्या कहती है, एसिड्स बेस को अम्ल एवं क्षारों को लुईस अवधारणा किस प्रकार से वर्गीकृत करती है अम्ल एवं क्षारों को, उसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है अम्ल एवं क्षारों से लुईस अवधारणा की द्वारा, यानी जो लुईस अवधारणा है उससे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल व क्षारों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, समझाइए। ठीक है, लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल व क्षारों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, समझाइए। या क्या और क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को पूछ सकता है आपसे कि अम्ल एवं क्षारों की क्या पूछ सकता है, अम्ल व क्षारों की लुईस अवधारणा क्या है, लुईस अवधारणा क्या है, समझाइए। तो देख लीजिए लुईस अवधारणा क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं लुईस थ्योरी, लुईस सिद्धांत आपका अम्ल क्षार के लिए क्या कहता है। क्वेश्चन उतार लिया, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, आप फटाफट से इसको उतार लीजिए। हो गया, देख लीजिए क्या है लुईस थ्योरी। टॉपिक आपका लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देख लीजिए लुईस कॉन्सेप्ट क्या है, कहने का मतलब यह है कि लुईस ने अम्ल व क्षारों को कैसे क्लासिफाइड किया। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं लुईस एसिड की, लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड। ठीक है, तो देख लीजिए
लेविस एसिड क्या है? तो ऐसे पदार्थ यानी जो लेविस की अवधारणा थी, लुईस की जो अवधारणा थी, उसने क्या बोला था कि इस अवधारणा के अनुसार ऐसे पदार्थ जो किसी परमाणु अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का, अर्थात जिसे लोन पेयर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का या लोन पेयर का क्या करते हैं, लोन पेयर को ग्रहण करते हैं, लेविस अम्ल कहलाते हैं। वापस से बता रहा हूँ, लेविस अवधारणा के अनुसार लुईस अम्ल वह होंगे कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ग्रहण करते हैं, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लेविस एसिड कहलाएंगे। क्या ग्रहण करेंगे? लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करें, ग्रहण करें। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, लोन पेयर ग्रहण करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं लेविस क्षार किसे कहते हैं। तो लेविस बेस भी देख लीजिए, लेविस बेस क्या होंगे या लुईस क्षार क्या होंगे? वह पदार्थ जो किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त स्पीसीज भी हो सकती है। यदि किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर दिए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, लेविस क्षार कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। ठीक है, तो क्या अपनी परिभाषा क्या निकल के आई, ऐसे परमाणु या ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का युग्म को ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं, जबकि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, वह लुईस क्षार कहलाते हैं। क्लियर है दोनों चीजें? ठीक है, अब बात करेंगे कि कौन लुईस अम्ल होंगे और कौन लुईस क्षार होंगे। ठीक है, तो कौन से आपके कंपाउंड लुईस एसिड कहलाएंगे, वो अपन इनके क्लासिफिकेशन में देखेंगे। क्या करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले एसिड्स को क्लासिफाइड करेंगे, ये तो समझ में आ गया। ऐसे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे, लुईस अम्ल कहलाएंगे, और ऐसे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, देंगे, वह लुईस क्षार कहलाएंगे। तो सबसे पहले अपन एसिड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि लुईस अम्ल क्या है। तो देख लीजिए, लेविस एसिड का क्लासिफिकेशन या लेविस एसिड में कौन कौन से कंपाउंड आएंगे। तो सबसे पहली बात है, ऐसे यौगिक जिनका अष्टक अनकंप्लीट हो, अष्टक अपूर्ण हो, अर्थात उनका ऑक्टेट अनकंप्लीट होता है, उन कंपाउंड्स को, वह जो जिन कंपाउंड्स का ऑक्टेट अनकंप्लीट होता है, वह कंपाउंड सारे आप क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाएंगे। देख लीजिए, तो अपना पहली कैटेगरी क्या आ गई, अपूर्ण अष्टक, अपूर्ण अष्टक वाले कंपाउंड, अर्थात जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, वह कंपाउंड सारे के सारे क्या होंगे, आपके लुईस अम्ल होंगे। ठीक है, अर्थात इनके बाह्यतम कोष में या डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होते, उन्हें अपन अपूर्ण अष्टक वाले कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, या अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक कहलाते हैं। क्लियर है, तो ये सारे क्या होंगे, आपके लुईस अम्ल होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा आपका, जैसे BeCl2 आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहेगी, BeCl3 आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 रहेगी, ऐसे ही AlCl3 BH3। ठीक है, ये सारे क्या है, लुईस अम्ल है, क्या है, लुईस
एसिड्स हैं, SABF3 क्लियर है। तो ये सारे सारे क्या है, लुईस अम्ल है। क्यों है लुईस अम्ल? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है इनके पास, कमी है। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेंगे, किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, लेंगे, अर्थात लोन पेयर लेंगे। वो लोन पेयर लेने वाले कंपाउंड लुईस के अनुसार क्या होंगे, वह लुईस एसिड होंगे। क्लियर है, उतार लीजिए। ठीक है, हो गया। अब देख लीजिए कुछ कंपाउंड, नेक्स्ट है आपका सेकंड, रिक्त डी कक्षक वाले सेकंड क्या है आपका, ये सारे के सारे किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, लुईस एसिड की कैटेगरी में। सेकंड है आपका रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक, रिक्त डी कक्षक वाले कंपाउंड। तो देखिए ऐसे यौगिक जिनके अंदर डी ऑर्बिटल रिक्त होता है, डी ऑर्बिटल फुलफिल नहीं होता है, वह सारे कंपाउंड भी क्या होते हैं, आपके लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे SF6, तो SF6 में जो आपका सल्फर परमाणु है, इस सल्फर परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थात डी के अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आना चाहिए और आपको डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए कि डी इलेक्ट्रॉन्स में, डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक बार देख लीजिए, बता देता हूँ, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताइए, देखिए कितना होता है, 16। तो देख लीजिए एटॉमिक नंबर कितना होगा, 16 होगा। तो 15 पे आता है फॉस्फोरस, सल्फर आता है 16 पे, 17 पे आता है क्लोरीन। तो 16 का इलेक्ट्रॉन की विन्यास हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आपका 4s2 और 3d, कितने आएंगे एटॉमिक नंबर, 16, 10, 20 और 16 नंबर भी जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। तो देखिए 16 नंबर पे, तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाह्यतम कोश यानी दो ऑर्बिटल्स को अपन ऑटोनॉमस शेल में कंसीडर करते हैं, तो बाह्यतम कोश में 2+4 कितने हैं, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं सब सल्फर के पास। तो बाह्यतम कोश अनकम्प्लीट है इसका, तो जिनमें रिक्त डी कक्षक हो या बाह्यतम कोश अनकम्प्लीट हो, वह कंपाउंड आपके क्या होंगे, वह कंपाउंड आपके लुईस अम्ल होंगे। तो ये क्या है, SF6 क्या है आपका, लुईस अम्ल है, अर्थात इसके पास ऑटोनॉमस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है। ऐसे मान लो SnCl2 में डी ऑर्बिटल आता है, ठीक है, SnCl4, ये सारे के सारे क्या है, लुईस अम्ल है। क्यों? क्योंकि डी कक्षक के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कम होने के कारण यह सभी क्या है, लुईस अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी तीसरी कैटेगरी उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे ये सब चीजें अपन पढ़ रहे हैं लुईस अम्लों में। तो देखिए आगे नेक्स्ट है आपका
जैसे समस्त गणाएं थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा आपके समस्त समस्त धनायन समस्त धनायन। तो देखिए समस्त धनायन के अंदर जैसे मान लो समस्त धनायन के अंदर मान लो जैसे ए जी प्लस एम जी प्लस टू सोडियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस थ्री एफ प्लस टू पोटेशियम प्लस कैल्शियम प्लस टू इसके अलावा आपका कॉपर प्लस एयू प्लस इसके अलावा और देख लो बेरियम प्लस टू एम एन प्लस टू ठीक है। इसके अलावा और देख लीजिए जो भी है आपकी सारी के सारे क्या है लेविस अम्ल है लुविस अम्ल है। क्यों? क्योंकि इन सभी के अंदर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है। पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब बोले कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल से पॉजिटिव चार्ज आपका जब ही आएगा जब वह इलेक्ट्रॉन्स का क्या करे डोनेशन करे अर्थात इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ही तो किसी कंपाउंड में पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज निकल के जा रहा है। जितना नेगेटिव चार्ज निकल के जाएगा उतना ही उस कंपाउंड पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इन सभी कंपाउंड्स में जैसे कोई प्लस थ्री है कोई प्लस टू है कोई प्लस वन है तो इन सभी कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स दिए इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के कारण इनके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण यह सभी कंपाउंड आपके लुईस अम्ल है क्योंकि यह सभी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के इनके पास क्या है कमी है तभी क्या आ रहा है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये सभी के सभी कंपाउंड क्या कहलाएंगे लुईस अम्ल कहलाएंगे। तो कहीं पर भी आपको पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज के बारे में पूछा जाए कि ये लुईस अम्ल होगी या लुईस क्षार होगी तो आपको आंसर देना है कि ये सभी क्या है लुईस अम्ल है ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो समस्त धनायन क्या होंगे आपके लुईस एसिड्स होंगे लुईस अम्ल होंगे ठीक है। उतार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आगे देखिए ये थर्ड कैटेगरी कंप्लीट है आपकी। अब फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं। फोर्थ कैटेगरी आपकी कौन सी है जो लुईस अम्ल होती है तो देखिए फोर्थ कैटेगरी में आते हैं आपके असंतृप्त 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 यौगिक या बहुबंध वाले यौगिक बहुबंध वाले यौगिक। तो देखिए असंतृप्त ऐसे मान लीजिए ये असंतृप्त असंतृप्त या बहुबंध वाले यौगिक ये यौगिक क्या होंगे आपके लुईस अम्ल होंगे। कैसे होंगे तो देखिए असंतृप्त या बहुबंध वाले यौगिकों में दो परमाणु पाए जाते हैं वो दोनों परमाणुओं की क्या होती है विद्युत ऋणता अलग अलग होती है। तो विद्युत ऋणता अलग अलग होने के कारण और इनमें बहुबंध पाया जाता है तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स युग्म या लोन पेयर कह सकते हैं उसे अपन इलेक्ट्रॉन्स युग्म लेने की
टेंडेंसी होती है इनमें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स युग्म में लेने के कारण कैसा नेचर शो करते हैं, लुईस अम्ल का नेचर शो करते हैं, अर्थात ये सभी कंपाउंड आपके क्या होंगे, लुईस अम्ल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जैसे SO2, SO3, CO2। ठीक है, जैसे SO2 में ये सल्फर, ये ऑक्सीजन आपका क्या ऑक्सीजन, CO2 में ये कार्बन, ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसका इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, सल्फर ऑक्सीजन की भी तो जितना भी अलग है, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। अनसैचुरेशन है क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, सल्फर कंपाउंड है, बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है इनमें, तो इनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स युग्म में लेने का होता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके लुईस एसिड कहलाएंगे। क्लियर है? ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया क्लियर? अब आगे फिफ्थ टाइप है आपका लुईस एसिड का, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो पांचवी कैटेगरी कौन सी है, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन षष्टक हो जिनके पास, यानी इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले यौगिक, वह भी क्या होते हैं, आपके लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। देख लीजिए, फिफ्थ कैटेगरी है आपकी, इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले, यौगिक। इलेक्ट्रॉन षष्टक से मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनके बायटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वह कंपाउंड आप क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले कंपाउंड कौन से होते हैं, तो देख लीजिए, ऐसे यौगिक जिनके बायटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 उपस्थित होते हैं उनके पास, और ऐसे यौगिक लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। देख लीजिए कौन से, जैसे O2 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये आपके एग्जाम्पल होंगे। ये सभी क्या है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि बायटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स युग्म लेने वाले कंपाउंड क्या होंगे, आपके लुईस अम्ल होंगे। तो ये था लुईस अम्ल का क्लासिफिकेशन, और लुईस एसिड किसे कहते हैं, ये चीज आपको समझ में आई आ गई होगी। ठीक है, तो क्या होते हैं, ये पता चल गया कि ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स युग्म या लोन पे लेते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। अपने वन बाय वन करके लुईस अम्ल का क्लासिफिकेशन देख लिया है, अब बात करेंगे लुईस क्षार, लुईस क्षार क्या होते हैं, और लुईस क्षार का क्लासिफिकेशन क्या होता है, परिभाषा मैंने बता दी है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस, तो देखिए लुईस क्षार, पहले परिभाषा तो आपको वैसे ही पता है, मैंने पहले ही बता दी थी, फिर भी और देख लीजिए, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन्स युग्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स युग्म का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स युग्म में देते हैं, वह सारे के सारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आपके लुईस क्षार कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ऐसे कंपाउंड, तो देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं समस्त ऋणायन। तो समस्त ऋणायन में देख लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वह सभी कंपाउंड आपके लुईस क्षार या लुईस बेस कहलाते हैं। क्लियर है? कौन से कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके पास
नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उनके पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स युग्म उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि ऐसे नेगेटिव चार्ज उपस्थित है तो उसका मतलब है उसके पास में ऐसा लोन पेयर उपस्थित है, यानी नेगेटिव चार्ज उपस्थित है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स युग्म उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी तभी तो कोई कंपाउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स युग्म का डोनेशन करेगा या इलेक्ट्रॉन्स युग्म देगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड आपके कैसे बिहेव करेंगे, लुईस चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। ये तो है नहीं कि पॉजिटिव चार्ज वाले लुईस बेस होंगे, क्यों, पॉजिटिव चार्ज के पास तो ऑलरेडी से आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है, वह तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। जबकि लुईस चार्ज क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, ठीक है। तो समस्त नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड्स हैं, नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड आपके क्या होंगे, लुईस चार्ज होंगे, क्यों, क्योंकि ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन्स युग्म किसी दूसरे परमाणु को दे देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स युग्म दे देने वाले कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं, लुईस चार्ज कहलाते हैं। तो लुईस चार्जों के अंदर देख लीजिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो समस्त रिनाइंस की अपन बात कर रहे हैं जो आपके क्या है, लुईस चार्ज है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, क्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस आपका आयोडीन माइनस, यानी समस्त हैलोजन फैमिली वाले कंपाउंड आपके क्या होंगे, लुईस चार्ज होंगे, ठीक है। इसके अलावा OH माइनस OR माइनस, ठीक है, और देख लीजिए OR माइनस BH माइनस, ठीक है, और ऑक्सीजन माइनस O2 माइनस 2, ठीक है। इसके अलावा और है आपका जैसे SO3 माइनस NO2 माइनस, ठीक है। ये सभी जो नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज उपस्थित रहता है, वह सभी आपके क्या कहलाएंगे, वह सभी आपके लुईस चार्ज कहलाएंगे, लुईस बेस कहलाएंगे। क्लियर है, लुईस चार्ज कौन से कंपाउंड होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, वह सारे के सारे कंपाउंड आपके लुईस चार्ज कहलाएंगे, ठीक है। फटाफट से उतार लीजिए, ठीक है, हो गया। अब आगे बात करते हैं दूसरे टाइप के, नेक्स्ट आपका सेकंड वो क्या है, देख लीजिए जो दूसरा टाइप आपका वह है, देखो दूसरी कैटेगरी है लुईस चार्जों की, सेकंड लुईस चार्ज आपके अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन, अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन यौगिक, ठीक है, अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त इलेक्ट्रॉन अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन यौगिक। अब देखिए अबंधी कौन से होंगे आपके, अबंधी कौन से होंगे, अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन यौगिक। तो देखो
ऐसे कंपाउंड जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अबंधी इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं अपन? अपन अबंधी इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। यदि मान लीजिए कोई कंपाउंड है आपका, कोई यौगिक है, उस यौगिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है मान लो, या 6 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ही आपके बॉन्ड बनाने में काम में आ रहे हैं, तो शेष बचे हुए परमाणु होंगे, सॉरी शेष बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे अपन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या अबंधी इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड कहते हैं। यानी जिसके पास बिना बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है वह आपका क्या कहलाएगा? नॉन बॉन्डिंग या अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनके पास अबंधी इलेक्ट्रॉन युग उपस्थित हो या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वह सारे कंपाउंड आपके क्या कहलाएंगे? वह सभी कंपाउंड आपके लुईस एसिड, सॉरी लुईस बेस या लुईस क्षार कहलाएंगे। एग्जांपल की बात करते हैं जैसे, तो देख लीजिए पहले तो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों का आपको मतलब समझ में आ जाए। जैसे यह अमोनिया है, अमोनिया की अपनी स्ट्रक्चर देखिए तो पता है जनरली आपको संकरण sp3 होता है और शेप होती है इसकी पायरामिडल। तो देखिए यह आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन और यह आपका लोन पेयर। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 तो बॉन्ड बनाने में इसके काम में आ गए और 2 लोन पेयर आपके ऊपर बचे हुए हैं। क्लियर है? तो ये लोन पेयर है, इसे अपन क्या बोलेंगे? अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकता है? किसी अन्य परमाणु को दे सकता है, और किसी अन्य परमाणु को देगा तो अपना क्या होगा? ये लुईस अम्ल होगा, सॉरी लुईस क्षार होगा। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। क्लियर है? तो देख लीजिए एग्जाम्पल, आप लुईस क्षार होते हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उदासीन होगी, उदासीन है अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं था इसलिए उदासीन यौगिक है। तो एग्जांपल देख लीजिए NH3 प्राइमरी एमीन, द्वितीयक एमीन और ट्रिटिग्री एमीन, ये सभी के सभी क्या है? आपके लुईस क्षार। इसके अलावा PH3, इसके अलावा ROH, यहाँ पर भी लोन पेयर है। इसके अलावा H2O, H2O की शेप देखिए कैसी होगी, H2O, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो ये क्या होगा? लुईस क्षार होगा। और देख लीजिए RSR, ROR, ईथर, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे क्या हैं? अबंधी, सॉरी इसको सही कर लेना भैया, अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन यौगिक, अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन यौगिक। यानी जिन यौगिकों के पास लोन पेयर होते हैं, इनके पास ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये दिख रहा होगा आपको, तो इन सभी के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इसीलिए ये सभी क्या है आपके लुईस क्षार हैं। ठीक है, ये फॉस्फोरस के पास है, यहाँ ऑक्सीजन के पास हो गया, सल्फर के पास हो गया। ठीक है, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो ये क्या है? इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? अधिकता है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स युग्म दे सकते हैं किसी भी स्पीशीज को जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और ये सारे के सारे क्या है आपके लुईस क्षार हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। आगे तीसरे टाइप की बात करते हैं कि थर्ड टाइप लुईस क्षारों का कौन सा है। ठीक है, तो देख लीजिए थर्ड क्या है, मिटा दें। थर्ड टाइप है
आपका फाइव इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक, फाइव इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक कौन से यौगिक जिनके पास फाइव इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह सभी यौगिक आपके लुविस क्षार की तरह बिहेव करते हैं। देखना, वापस समझना, ऐसे कंपाउंड जिनके पास पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं अर्थात जिनके पास पाई बॉन्ड पाया जाता है वह सभी लुविस क्षारों की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिंगल बॉन्ड की तुलना में ज्यादा होती है। तो पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड या पाई बंध युक्त यौगिक आपके लुविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, CH2 double bond CH2, इसके अलावा CH3 CH double bond CH2। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में ये जो पाई बॉन्ड आ रहा है, तो ये पाई बॉन्ड आ रहा है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये पाई बॉन्ड का डोनेशन करके बॉन्ड को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी स्पीशीज को ये पाई बॉन्ड नहीं पाई बंद के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर अन्य स्पीशीज को स्टेबल कर सकते हैं। तो ये सारे एटम्स सॉरी ये सारे कंपाउंड आपके क्या होंगे, लुविस बेस होंगे। यहाँ पर भी ये अपना इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर सकता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बिकॉज क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है इसकी तुलना में सिंगल बॉन्ड की तुलना में, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आराम से इजीली दे सकता है। तो पाई बॉन्डिंग युक्त यौगिक आपके क्या होंगे, लुविस क्या होंगे, आपके लुविस क्षार होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो पाई बॉन्ड युक्त यौगिक आपके क्या कहलाएंगे, पाई बॉन्ड युक्त यौगिक आपके लुविस बेस कहलाएंगे। ठीक है, हो गया, उतार लिया। देखिए आगे बात करते हैं, इस जो आपकी लुविस एसिड बेस अवधारणा है इस अवधारणा की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो उनको भी अपन देख लेते हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं। तो लिमिटेशन हो लिमिटेशन ऑफ लुविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो देख लीजिए इसकी क्या क्या कमियां हैं, सीमाएं हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपने कोई कंपाउंड है, जैसे सबसे बड़ी इस थ्योरी की जो कमी है, ऐसे कंपाउंड जैसे एक बार देख लीजिए जैसे कोई कंपाउंड आपका जैसे HCl है, H2SO4 है, इसके अलावा HNO3 है, HNO2 है। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स में जो मैंने आपको लिखा बताया HCl, H2SO4, HNO3, HNO2, इन कंपाउंड्स में सबके पास H प्लस उपस्थित है और ये सभी H प्लस देने के कारण क्या है, अम्लीय है। H प्लस देने के कारण क्या है, अम्लीय नेचर शो करते हैं, लेकिन इस H प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है तो ये एसिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेकिन एसिड है क्योंकि अपने को पता है। तो इसकी व्याख्या आपका लुविस एसिड बेस सिद्धांत नहीं कर सका। ठीक है, क्योंकि ये सभी एसिडिक नेचर
एच प्लस लेने के कारण शो करते हैं, जो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है। दूसरी कमी की बात करते हैं। देखो दूसरी कमी क्या है कि कई अभिक्रियाएं ऐसी ज्ञात हैं, जैसे एस्टरीकरण, जल अपघटन, ठीक है, उन अभिक्रियाओं के एसिडिक नेचर का यह सिद्धांत, यानी उन अभिक्रियाओं के एसिडिक नेचर को यह सिद्धांत नहीं बताता है, यानी उनके एसिडिक कैरेक्टर की व्याख्या नहीं करता है। तो यह इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी है। तीसरी कमी क्या है इस सिद्धांत की, वो भी देख लीजिए। तीसरी कमी यह है कि इस सिद्धांत के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा अम्ल व क्षारों, एसिड व बेस के सामर्थ्य की गणना अपन नहीं कर सकते, यानी कौन सा एसिड कितना अधिक ज्यादा प्रबल होगा, यानी कौन एसिड कितना अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन सा बेस कितना अधिक स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, यह इस सिद्धांत द्वारा अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यह अम्ल एवं क्षारों के आपेक्षिक सामर्थ्य की व्याख्या नहीं करता है। कौन? आपका लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये इसकी सबसे बड़ी जो तीसरी कमी थी वो आपको पता चल गई। तो ये थी आपकी लुईस अवधारणा की कमियां, ठीक है। पहली कमी क्या थी? पहली कमी ये थी कि इन सभी का एसिडिक नेचर एच प्लस के कारण होता है, ना कि लोन पेयर के कारण, जबकि ये एसिड है तो इसकी व्याख्या अपन लुईस से नहीं कर सकते। दूसरा क्या था आपका? दूसरा यह था कि कई अभिक्रियाएं ऐसी ज्ञात है जो एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे एस्टरीकरण, जल अपघटन, इनकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर सकता। इसके अलावा जो कुछ आपको नेक्स्ट थर्ड मैंने क्या बताया आपको, थर्ड आपका यह था कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक, सॉरी कंपाउंड क्या, ऐसे एसिडिक कंपाउंड या बेसिक कंपाउंड, उनके अंदर अपन उनकी जो अम्ल सामर्थ्य, क्षार सामर्थ्य है, उनकी गणना इस सिद्धांत के अनुसार नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपकी तीनों कमियां, तीनों लिमिटेशन कंप्लीट है, ठीक है। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। तो एसिड बेस से कैसे क्वेश्चन बनता है ये मैंने आपको बता दिया है, क्लासिफिकेशन अपन ने अच्छे से देख लिया है और इसकी लिमिटेशंस की भी बात कर ली है, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।